हाय हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से लाइव मी गेमिंग पर। और जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमने कुछ चीज़ें बनाई थी, जैसे हमारा ये वाला टूल है रिपेयर गन। तो यार हमें कुछ चीज़ें ठीक करनी थी, हमने रेडियो ठीक करी थी और एक दो चीज़ें और। यार अगर अभी ये वाला अनलॉक तो हुआ है रेडिएशन सूट, तो ये आई थिंक हमें उस स्पेसशिप के अंदर जाने में मदद करेगा, क्योंकि वो हो चुकी है ब्लास्ट इसी रीजन से। तो सोलर पावर सेल, ओके। तो देखो यार हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए, वैसे देख लेते हैं। इसके लिए हमें लेड चाहिए एक तो, ठीक है? तो लेड तो यार लाना पड़ेगा, वहीं से मिलेगा, हमें बनाना पड़ेगा जाके इसी रीजन की वजह से। तो अभी चलते हैं, लेड लेके आते हैं। और इसके लिए ब्लीच तो हम पानी की तरह काम करती आ रही है अभी। तो अब यार हमें कुछ चीज़ें ना यहाँ से निकालनी भी ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हमें इसमें से खाली भी करनी होगी इन्वेंट्री में से, अभी करते हैं नीचे चलते। जो चीज़ें हमें स्कैन करनी होगी हम स्कैन भी करेंगे और बाद में हम खाना भी खाएंगे। एक बार काम करते हैं, पहले कुछ चीज़ें खाली ही कर देते हैं। ज़्यादा है यार, टाइटेनियम को हम उठा लेंगे बाद में ज़रूरत पड़ी तो, बट तो ज़्यादा है यार, उसे निकाल देना ही अच्छा है। क्वार्ट्ज सही होगा बट इतना बहुत है अभी फिलहाल के लिए। तो अभी चलते हैं यार, जो हमें ढूंढना है वो एक्चुअल में गहराई में ही मिल सकता है हमें लेड भी। तो अभी थोड़ा दूर जाना पड़ेगा हमें। क्योंकि देखो यार कुछ चीज़ें अलग अलग चीज़ों से मिलके ही बनेगी। अभी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो वाला सूट बनाना, और जहाँ तक है वो चीज़ें हमें क्या पता यहाँ पे मिले। एक तो हमें ये भी चाहिए होगा, ये है क्या? देखो अभी सेल्फ स्कैन कर लेते, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। काम करते हैं, ये थोड़ा ले लेंगे। ओके, तो हमने अभी 3 पॉइंट सैंपल ले लिया है, तो ठीक है, इतना बहुत है फिलहाल। काम करते हैं, पहले ऊपर चलते हैं, ऑक्सीजन से दोबारा से डाइव मारेंगे ताकि हम लेड को ढूंढ सके। और एक हमें क्या चाहिए था, सिल्वर, आई थिंक हमें सिल्वर ओर चाहिए था, आई थिंक से सिल्वर ओर भी चाहिए था। पूरा नहीं हुआ, टाइप प्रॉपर करनी पड़ेगी। अब चलते हैं नीचे। तो यार हमें ना यहाँ पे चीज़ें बनानी ज़रूर पड़ेगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भी ढूंढ पाएँ। और ऐसी चीज़ें ज़्यादातर ऐसी ही जगहों में मिलती है गहराइयों में, जैसे लेड हो गया, सिल्वर ओर हो गया, ये सब कुछ हमें ऐसी ही जगहों में मिलेगी, और जगहों में नहीं। टाइटेनियम मिल गया, लेकिन यार अब ऊपर चलते हैं फिर से। क्योंकि यार देखो हमें ना अपना ऑक्सीजन सिलेंडर भी ज़्यादा करना होगा ताकि हम ज़्यादा देर, और ज़्यादा देर पानी में रह सके। अभी कुल हमारे पास 75 ही है और ये इस हिसाब से अभी कम है। तो देखो यार हम धीरे धीरे ही चीज़ें कलेक्ट कर पाएंगे और धीरे धीरे ही बना पाएंगे, तो बस साथ में बने रहिए।
ठीक है सोल्ट ले लेते हैं, इससे ग्लास बन जाएगा। अच्छी किसी क्रिएचर का आएगा ये, हमें नहीं चाहिए। तो यार अभी वापस से ऊपर जाना पड़ेगा, अब फिर से वापस ऊपर। देखो यार काफी दिक्कत हो रही है चीजें ढूंढने में, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है। अगर हमारे पास ऑक्सीजन पूरा होता है तो दिक्कत नहीं होती, बट अभी ऑक्सीजन की यार काफी कमी है हमारे पास में, और हमें चीजें बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से ढूंढने में मिलेंगी। काफी गहराई में टाइम लगा रहे हैं हम फिलहाल भी। मिल जाए ओके, अभी यार इन मछलियों से बचे रहना होगा, इससे मिला यार हमें, इससे हमें थी कि एक लेड मिला है। अभी चलते हैं ऊपर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जल्दी 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 चलो यार। तो अभी चलते हैं, आई थिंक हमें कुछ मिला है, देखते हैं क्या मिला है एक बार हम देख के आ जाएं। हमें मिला है वो गिरा, चलो यार लाइट मिल गया हमें। एक काम करते हैं अभी एक बार हम वापस चलते हैं अपने पोर्ट में और देखते हैं, क्योंकि यार अभी ना हमें कैलरी भी लेनी होगी, वो ज़्यादा ज़रूरी है फिलहाल। देखो यार फिश मिल जाए कोई तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे ये वाली। जा रही है यार बाजा हाथ में। New creature discovered. ठीक है चलो यार जल्दी जल्दी चलते हैं, कैलरीज लेते हैं। ये रहा हमारा फोर्ट। देखो यार उसमें जाने के लिए जो उसके अंदर होगी गैसे होंगी या जो भी होगा उसकी वजह से उसमें रेडिएशन लेवल बढ़ा हुआ है, उस रेडिएशन की वजह से हमें अपना सूट बनाना होगा ताकि हमें जब हम उसमें जाए तो दिक्कत ना आए। को भी ले लेते हैं, ओके इन्वेंटरी फुल हो गई यार हमारी, हमें जल्दी से जल्दी कैलरी लेनी होगी वरना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। मैं यार मेरी इसमें भी ऐसा क्या है, इसको एक काम करता हूँ ड्रॉप कर देता हूँ दो चार आइटम्स को ताकि मैं कुछ चीज़ें पकड़ पाऊँ। वो फिश कहाँ गई वापस से, इसको ले लेता हूँ। अगर ये वाली फिश मेरे हाथ में आ जाएगी ना यार, खाने के लिए इन मछलियों का भी पकड़ा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे ये वाली है जो आगे आगे जा रही है। चलो यार फिलहाल हमने आई थिंक दो तो पकड़ ली, अब हम चलते हैं। कैलरीज हमारी काफ़ी स्पीड में जा रही हैं, जाकि मतलब कि भूख लगी हुई है और खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसी वजह से। तो यार देखो अभी आ गए हम, देखते हैं खाने में क्या बन सकता है। ओके एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, तो पहले इसे बना लेते हैं क्योंकि कैलरीज लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको सर्वाइव करना है यहाँ पे। ओके ये हो गया हमारे पास, और क्या है कहाँ गया सूट। इस सूट के लिए यार
अच्छा इसके लिए हमें दो चाहिए मैस, ठीक है, फाइबर मैस दो चाहिए होगी और लेड भी हमें दो चाहिए होगी, तो हमें जाके लेड को दोबारा से कलेक्ट करना होगा दोबारा से ही, तभी हम जाके सूट बना पाएंगे, ठीक है। और फाइबर मैस से ही फर्स्ट एड किट बनेंगी हमारी सारी। एक काम करते हैं, पहले हम देखते हैं और भी है क्या हमारे पास में जो हम फाइबर मैस, नहीं यार दो क्रीप पॉइंट लगते हैं इसके लिए। इमरजेंसी स्टार्वेशन इमिनेंट सीक कैलोरी इनटेक इमीडिएटली। ओके 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 ओके, जी हमने ले वाइटल लिया, साइंस ठीक है। स्टेबलाइजिंग। यार देखो हमें खाने के लिए भी चीज़ें और लानी होगी नीचे से, और अभी हमें वापस से लेड लाना होगा एक और ढूंढ के। साइड था वो, आई थिंक इस साइड थे वो सारी चीज़ें। हाँ देखो यार वैसे मिल जाए क्योंकि काफ़ी ज़रूरत है। हमें साथ साथ कुछ फिशेज भी पकड़नी होंगी और क्रीप वाइन भी हमें चाहिए होगा। ये रहा, तो यार हमें क्रीप वाइन के ना कुछ फिशेज चाहिए होंगे, ठीक है। अभी हमने ले लिया कुछ चीज़ें, लेकिन यार तीन ही आई है एक्चुअल में, क्रीप वाइन ज़्यादा है इसका मतलब। चार दिए हमने, मैं गिरा देता हूँ इसको, बाद में ले लूँगा यार, क्योंकि तो मुझे अभी लेड भी लेना है, तो एक बार सरफेस पे चलते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, फिर वापस आएंगे। और दिन होता जा रहा है। तो हमें लेड यहीं पे मिला था है ना, इन्हीं गुफाओं पे मिलेगा हमें लेड भी, जैसे ये है गहराई में। और भी यार देखो स्पेशल चीज़ें स्पेशल ही जगहों में मिलती हैं, ऐसे नहीं कि आपको खुले में मिल जाएंगी। और यार हमें इस बार इन फिशेज से भी बच के रहना होगा जो ये अजीब सी फिश उधर चल रही हैं। आई थिंक इसमें होगा लेड एक और, मिल गया यार एक और लेड मिल गया मुझे। देखते यार अगर साथ में हमें सिल्वर और भी मिल जाएगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो यार यहाँ पे कहीं निशान तो है नहीं, 30 seconds। चलते हैं हम अपना सूट तो चलो हमारा बन ही गया। नहीं यार और नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी ऊपर जाना होगा। ओ पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए जी पहुंच गए, बस बस दीदी 0% ना हो जाए, मरना चाहिए। ओ भाई साहब बच गए भाई, एंड में बचे बिल्कुल। अब चलते हैं हम अपने इसकी ओर, ठीक है ये चीज़ें इस साइड है समझ गए। एक आधी फिश पकड़ लेते हैं यार है ना, ताकि हमारे खाने में काम आए। है कहाँ पे फिश सारी की सारी, कहाँ गई? ये तो आई थिंक नहीं पकड़ी जाएगी, जहाँ तक है मुझे लगता नहीं पकड़ी जाएगी, ये हमारे खाने के लायक नहीं है इसका मतलब। देखो यार यहाँ पे कुछ जहरीली गैसेस निकली हुई है, जैसे धुआं टाइप अपनी प्रोटेक्शन के लिए छोड़ दिया। ये रही यार, ये तो ये चाहिए होंगी। हाँ गई यार, अरे देखो यार इसमें साथ साथ खाना भी ढूंढना पड़ता है, बहुत कुछ है यार। गेम काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोग खेलोगे तो समझ भी आएगा, देखते रहो बस बने रहो साथ में। ओके तो अभी पहुंच गए हम, काम करते हैं हम पहले इसको बना लेते हैं सबसे पहले। आई थिंक सो मेरे पास यार अभी भी लेड का एक ही टुकड़ा है, लेड मुझे एक और चाहिए होगा। लेकिन यार मैंने लेड तो दो लिए थे ना। ओके तो आई थिंक मेरा एक लेड वहीं पे रह गया, गिर गया वहीं पे नीचे।
शिट यार, इन्वेंटरी में तो नहीं है ना बस। नहीं यार मेरा एक लाइट वहीं पे गिर गया आई थिंक सो, कुछ चीज़ें काम करता हूँ इसमें रख देता हूँ, और थ्री पॉइंट से काम करता हूँ फाइबर मैस को और बना लेता हूँ, एक फाइबर मैस और बन जाएगा इससे, है नहीं, ताकि स्पेस थोड़ा खाली हो जाएगा मेरा और मुझे थोड़ी दिक्कत से राहत मिलेगी क्योंकि थ्री पॉइंट काफ़ी स्पेस घेर रहा है। एक काम करते हैं वापस चलते हैं, और जो हमें जाना है वो इस साइड जाना है, इसके विपरीत दिशा में। देखो यहाँ इस दिख जाएगा कहाँ है अभी पेड़ सारे, इस साइड आई थी है ना, इस साइड यार मैंने ना वहीं पे अपना गलती से वो लाइट वहीं रह गया, गिर गया वो मेरे से, वो मुझे उठाना था यार साथ साथ ही, और वो वहीं पे रह गया गिर गया, और ये काफ़ी दिक्कत वाली बात है भाई यार। मुझे अपना ऑक्सीजन सिलेंडर भी बनाना है क्योंकि उसके बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला, ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना। और यार एक होता और, पहले ऊपर जाते हैं फिर वापस से नीचे आएंगे, क्योंकि जब तक नीचे जाएंगे तब तक ही ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने वो कहाँ देखा था यार, मैंने यहीं पे आई थिंक यहीं देखा था उसको लेट को, तो मैंने उसको यहीं कहीं पे देखा था, और मैंने वो नीचे गिर गया मेरे से, लेकिन अब कोई फायदा नहीं यार, ढूंढने से ऐसे मिलेगा नहीं, अब जा दूसरा ही लेट खोजना होगा मैं एक और। और यार इन मछलियों से बच के, ये जो बहुत बड़ी है विशाल काय है पूरी, इनसे बच के साथ साथ देखो यार ये भी हो सकता है ना, टाइटेनियम है यार। 30 seconds ठीक है दीदी, 30 seconds तो यार काफी अच्छी जगह एक्सप्लोर करने के लिए ना, अभी आते हैं ऊपर से, पहले एक बार पानी के सरफेस पे चलते हैं फिर वापस से नीचे आएंगे। यार मुझे ना सबसे पहले आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर को ही बनाना पड़ेगा, जिस हिसाब से मुझे ऑक्सीजन की फिलहाल दिक्कत हो रही है ना, उस हिसाब से देखते हुए तो मुझे चीज़ों को चीज़ें ना, इसमें बस यही बात है थोड़ी सी कि चीज़ों को ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अगर गेम में ये वाला पार्ट इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो फिर क्या होगा। वैसे मुझे पीछे ही मिलेगा, मुझे और गहराई में जाकर डाइव करना होगा पीछे की ओर थोड़ा, जहाँ पे क्रीप पॉइंट का काफ़ी लंबा चौड़ा घूमता है। यहाँ पर नहीं, थोड़ा आगे की ओर डाइव करेंगे इस बार, ताकि हमें चीजें मिल जाए यार। क्या है? ओके, ये जेलीफिश टाइप है जो फिलहाल काफी अच्छी निद्रा में है। क्रिएचर का एग रखा हुआ है, लेकिन हमें किसी के भाई अंडे नहीं लेने, हमें कोई फायदा नहीं होना इसका। 30 seconds यार काफी बड़ा है ना, ओके तो इनमें ढूंढेंगे अभी, एक बार नीचे ऊपर जाते हैं फिर वापस नीचे आएंगे। यार ऑक्सीजन की दिक्कत खत्म करनी पड़ेगी हमें, एक सिल्वर और जरूर चाहिए होगा आई थिंक, वो बनाने के लिए हमें ग्लास सिल्वर और काफ़ी कई सारी चीज़ें लगेंगी।
और देखो ये तो हो गया इसका, इसमें भी ढूंढते हैं यार मिल जाए इसमें। ऐसी अच्छी चीजें ऐसी अच्छी जगह में मिलती है, खतरनाक चीजें जो है। थोड़ा ऊपर से देखते हैं। Short range scan suggests this biome supports extensive biodiversity and connects to a number of small cave networks. ओके दीदी आपने जो भी बोला 30 seconds आपकी बात को मानेंगे जरूर। देखो यार ऐसी जगह पे भी चीजें मिल जाती हैं, समझ रहे हो, ऐसी जगह पे भी काफी बार चीजें मिल जाती है। लेकिन यार इतनी गहराई में डाइव करने के लिए पहले ऊपर चलते हैं, जल्दी 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 जल्दी। यार काफी स्पीड में यूज कर रहा है यार ऑक्सीजन को। ओ नहीं यार इस बार तो काफी नीचे थे हम, इस बार नहीं। ओ शिट मैन, मैंने यार कुछ काफी गहराई में ज्यादा कर दिया। यार हद हो गई। This is LifePod 3 uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. इसके लिए हमें टाइटेनियम एक्स 4 चाहिए होगा। 3 out. 4 चाहिए होंगे अभी। Signal location uploaded to PDA. तो एक काम करते हैं, ग्लास बनाते हैं। दो क्वार्ट्स लगेंगे और आई थिंक हमारे पास क्वार्ट्स तो थे यार। कहाँ गए? टाइटेनियम एक्सपोर तो चलो है, एक ये रहा, ये तो पूरे हैं यार। क्वार्ट्स तो हमारे पास एक है यहाँ पे और एक ग्लास आई थिंक मेरे पास नीचे है। लेड भी मेरे पास फिलहाल एक है, इसको यहाँ रख देता हूँ। एक काम करते हैं, जो हमने अपने सिलेंडर्स को कहाँ गया हमारा वाटर प्रूफ, इसमें देखते हैं हमने क्या क्या रखा हुआ है। ओके तो इसमें भी ज़्यादा कुछ खास नहीं होने, इसमें कोरल वोरल और यही चीज़ें रखी हुई हैं, इस वाले को नहीं। एक और है ना, वो आई थिंक इस साइड है। छोड़ो यार जिस भी साइड है, अभी तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया मेरे इस वजह से, क्योंकि मैं काफ़ी दूर था। ओके तो रेस्टोरेंट देयर। ओके यार यहाँ से है तो सही, लाइफ बोर्ड है तो सही, यहाँ से कुछ 300 मीटर की दूरी पे दिखा रहा है। हमें जाना है इस साइड, यार थोड़ा कोल्ड हो रखा है तो कुछ ऐसा अजीब सा रिएक्शन मत करना। कोल्ड हो रही यहाँ पे क्या है, तो टाइटेनियम ही है। यार हमारे ट्री पाइन के पेड़ हमें मिलेगी चीज़ें उन्हीं के पास में मिल सकती है, क्योंकि वो ही काफ़ी गहराइयों में है, क्योंकि वो ज़्यादा लंबे होते हैं तो वो ज़्यादा गहराइयों में इसलिए होते हैं, बस ये फ़र्क है। एक सेकंड मेरा एयरपोर्ट होना चाहिए, मुझे उस साइड जाना है ना, उस साइड जाना। अगर अभी हमें एक सिल्वर ओर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, उसे एक सिल्वर ओर की वजह से ना हमारे काफ़ी काम ठीक हो जाएंगे।
क्योंकि अगर हमें एक सिल्वर ओर मिलता है तो उससे सबसे बड़ी बात होगी कि हमारा एक ऑक्सीजन टैंक बन जाएगा अलग से। यार ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा दिक्कत है फिलहाल। काम करते पहले एक बार सरफेस पे चलते हैं और चीज़ें चेक करते हैं कि बाकी चीज़ों के लिए और क्या क्या चाहिए। फाइबर मैश हो गया यार हमारे पास में, ग्लास भी एक ही है अभी, इसको भी बनाना होगा। दो क्वार्ट्स चाहिए होंगे, वो तो चलो गुफा में मिल जाएंगे, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो है लेकिन इसके लिए हमें अभी इंग्रेडिएंट अननोन है हमारे पास में, इसका इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होगा सी फ्लाइट के लिए। ओके तो यार नीचे काफी दे रहा है फिलहाल, बिना बात की चीजें तो मिल रही है। हमें ये कोपर वोपर तो मिल रहा है अच्छे से, बट जो चाहिए वो नहीं मिल रहा। 30 seconds. चलो यार ऊपर चलते हैं, फिर से आएंगे नीचे सिल्वर ओर ढूंढने के लिए। जैसे कि ये मार के खा जाएगा भी, निकल लेते हैं यार, भरोसा नहीं है सच्ची में ऐसा हो गया तो। यार हमें सिर्फ एक ही लेड मिला है अभी तक और दूसरा मिल के नहीं दे रहा है, चीजें बड़ी मुश्किलों से ढूंढी जा रही है, काफी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हर चीज को लेके। वापस ऑक्सीजन की दिक्कत, यार ये बहुत बड़ी दिक्कत है, सीरियसली बता रहा हूँ। 30 seconds. वापस चलते हैं ऊपर, फिर से आएंगे नीचे, वापस आएंगे नीचे, क्योंकि यार देखो ऑक्सीजन ना बड़ी स्पीड में घटेगा, देखो 3-3 की स्पीड में घटना स्टार्ट हो जाता है ऑक्सीजन। काफी गहराई में हम फिलहाल, ये तो सोल्ट है, ये सही नहीं है यार, बहुत ज्यादा ये रहा यार, देखो यार इसमें क्या निकलेगा। Silver based wiring kits are an essential component of many habitat modules. देखो यार हमें सिल्वर तो मिला है, सिल्वर और जो हमें बहुत ज्यादा जरूरी था, और भी चीज़ें हमें ना इसी ही तरीके में कहीं ना कहीं पे मिलेंगी, वो बड़ी मुश्किलों से मिलेगी, जैसे ये मुश्किलों से मिला है ना वो भी ऐसे यार बड़ी खून पी के मिलेंगी। चलो 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 ऊपर चलते हैं, पहले बाद में ही करेंगे कुछ, फिर से आएंगे नीचे एक बार देख लेते हैं और क्या किस चीज़ के लिए कहीं पर है ना, कहाँ है ऑक्सीजन सिलेंडर हमारा, ये रहा। ओके तो अभी हमें क्वार्ट्स चाहिए, ठीक है काम करते हैं यार, हम क्वार्ट्स इकट्ठा कर लेते हैं थोड़ा सा और वो मुझे पता कहाँ मिलेगा। एक काम करते हैं ऊपर ऊपर से चलते हैं, हमें यार खाने के लिए मछलियाँ भी पकड़नी होंगी,
है, तो अभी हम चलते हैं इस साइड, हमें यहीं पे मछलियाँ भी मिलेंगी कुछ पकड़ने के लिए। देखो यार कोल्ड हो रखा है थोड़ा, थोड़ा अजीब सा रिएक्ट मत करना ठीक है। न्यू क्रिएचर डिस्कवर्ड, हमने पकड़ी है कोई पेपर करके नाम से, पेपर फिश नाम अच्छा है यार। तो पकड़ लो, ये नहीं हमारे लायक नहीं है यार। देखो यार जो चीज़ हमारे लायक नहीं होगी वो कभी नहीं आएंगी हाथ में, ये आ जाएगी अगर ये आई तो। लेकिन काफ़ी तेज भग रही है, काफ़ी चंचल है यार, बड़ी क्यूट है। लेकिन चलो वापस से उठ यार, देखो बंदे का खाना खाना भी इसका ज़रूरी है बहुत ही ज़्यादा है ना, और अगर ये खाना नहीं खाएगा तो ये चलेगा कैसे। आजा भैया आगे चलिए, आजा भैया। चलो यार फिलहाल हमारे पास चार हो गई है, और हमारा पोड ये रहा इस टाइम। अभी हमें यार देखो अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडर बना लेते हैं एक बार, तो हमें इस बात की तसल्ली हो जाएगी कि हम ज़्यादा देर भी पानी में और गोता लगा पाएंगे नीचे गहराइयों में। तो आ गए हम, इसको कर देते हैं बंद, बना लेते हैं हम सबसे पहले अपने लिए। पानी के लिए क्या लगेगा, यही लगेगी पपर फिश टाइप के। एक काम करते हैं थोड़ा खाना खाते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं, फिर चलते हैं। तो खाना खा लेते हैं यार, भूखी लगी है, भूखी भूखी। एक ओके यार, उस वाली में ज़्यादा पावर है ना, और अब पानी पी लिया हमने, अभी हमें काफ़ी ठीक है। और जो हमारा सिलेंडर है इसके लिए ठीक है। दो चीज़ें हो गई यार, देखो हमें सिल्वर और मिल गया, टाइटेनियम मिल गया, ग्लास टू। ओके हमें ग्लास बनाना है, तो हमारे पास अब क्वार्ट्स कितने हो गई यार। क्वार्ट्स तो हमारे पास अभी हमें चाहिए कम से कम है एक क्वार्ट्स है, तकरीबन तीन क्वार्ट्स और चाहिए। चलो यार दिन हो गया। क्वार्ट्स में बताऊं देखो यहीं पे गुफा है, क्वार्ट्स उसी में मिल जाएगा। मैं अंदर मैंने बहुत सारा देखा था उसके अंदर। यहाँ पे देखूँ वो तो यार यहाँ पे भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ मुश्किल भी है क्योंकि यहाँ पे ये जो जानवर घूम रहे हैं ना ये फेल नहीं यार हमें। ये देखो यार यहाँ पे ना अलग अलग टाइप की फीसिस हैं सारी की सारी। देखो एक तो ये रहा क्वार्ट्स, एक दो, एक दो, एक इस साइड है ये रहा तीन, और एक ये रहा चार। ठीक है तो एक काम करते हैं यहाँ से निकल लेते हैं सरफेस की ओर, क्योंकि हमें पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना कुछ भी, मतलब ऑक्सीजन। ला के चली गई यार ये तो, थोड़े थोड़े इसको बाद में पकड़ेंगे। अभी हम इसको ले लेते हैं सबसे पहले, अपना जो चीज़ हमें बनानी है वो बना लेते हैं। एक बार सिलेंडर बन जाएगा ना यार, देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिलेंडर, और उसके लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्वार्ट्ज का बनना, ग्लास का बनना मतलब। ये बना एक, ये बना दो, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं इसके लिए क्या चाहिए होगा सिलेंडर के लिए। ठीक है यार तो हम अपना सिलेंडर ले लेते हैं इसमें से वापस, ठीक है। मैंने इसलिए उसको इन्वेंटरी में रख दिया था यार, फायदा नहीं ना। तो देखो यार कितना बढ़ता है अभी तब ये पता लगेगा यार, कुछ बड़ा क्यों नहीं है ना, बढ़ना चाहिए था जहाँ तक है। यार मैंने कुछ गलती करी आई थिंक सो है, 75 तो हो गया, लेकिन इसका क्या मतलब है।
एक वायरिंग किट अलग है। नहीं यार ये तो गलत हो गया ना, हमने हाई कैपेसिटी सिलेंडर ही तो बनाया। अभी ये मेरे पास है, अभी जो मैंने बना लिया था स्टार्टिंग में, अभी ये है, लेकिन यार इससे बड़ा नहीं है कुछ भी यार। ये तो गलत बात है, हमने बनाया है लेकिन ये बड़ा नहीं है। ओके इसके लिए अभी ये और चाहिए होगा, वायरिंग किट के लिए। अब हमें यार वायरिंग किट के लिए भी ढूंढना पड़ेगा, क्या लगेगा देख रहे हो। वायरिंग किट बनाने के लिए क्या लगेगा यार, ये देखना पड़ेगा इसमें। ओके तो ये जरूर चाहिए होगा यार, वायरिंग किट का ऑप्शन कहाँ है हमारा, ये रहा। ओके यार 2 सिल्वर और लगेंगे इसके लिए। ठीक जा रहे हैं फिलहाल, हम ठीक जा रहे हैं, बिल्कुल सही सही जा रहे हैं। इसमें क्या क्या रखा हुआ है मैंने, इसमें मैंने ग्लास रखा हुआ है, पावर सेल रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन यार ये अभी काम नहीं आ पाएगा क्योंकि इसके लिए वो वायरिंग वाला ज़रूर ज़रूर लगेगा। ओके तो चलते हैं, हम एक बार सांस ले लेते हैं ऊपर, तो वापस 2 सिल्वर वो लाने देंगे। बस 2 सिल्वर और मिल जाएंगे यार तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेड मिल जाए वो भी ज़्यादा अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक है हमें इन जीवों से जरूर बच के रहना भाई, यार देखो ये अजीब से उड़ रहे हैं, क्योंकि यार देखो ऑक्सीजन ना काफी कम है। और आई थिंक वायरिंग किट इसलिए मांगी है उन्होंने ताकि वे सिलेंडर को परफेक्टली सेट कर सके, अटैच कर सके सूट से, इसी रीजन की वजह से। यार इसमें हो सकता है, अभी ऊपर चलते हैं फिर वापस से डाइव करेंगे। ऑलमोस्ट पहुंच गए, देखो यार ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है ना यार, 1 सिल्वर और मिल गया हमें, एक और चाहिए होगा अभी, और वो भी यहीं पर मिलेगा। एक सेकंड अभी एक डाइव और मारते हैं क्योंकि हमारा ऑक्सीजन लेवल थोड़ा घट गया था, और वो यहीं पे मिला है, तो आस पास में दूसरा भी होगा डेफिनेटली। देखो ऐसी चीज़ें ऐसी चिपकी हुई मिलती है ज़्यादातर, किसी भी चट्टान पे चिपकी मिलेगी, कि समुद्र में चीज़ें ऐसे ही पैदा होती हैं एक तरीके में। देखो यार ही रहा यहाँ पे है कुछ, व्हाट द फक, यार वापस चलो क्योंकि ऑक्सीजन की कमी वापस होने वाली है। ये वापस गोली गई थी, 30 सेकंड्स कुछ पीछे आ रहे हमारे, यार कितना भी खा लो उतना ही खाना कम हो गया। हो भाई साहब इनसे बच के, इनसे बच के, ये मछली हमारे पीछे है एक्चुअल में, ये भी इनसे बच के चलो भाई।
वो चीज़ें ऐसी ही जगह मिलेंगी, चिपकी हुई रखी हुई, कुछ ना कुछ हुआ जरूर मिलेगा। और इसमें एक फ्रेंडली मछली होनी चाहिए थी जो चीज़ें बता पाए कि ये चीज़ यहाँ पे है, ज़्यादा मज़ा आता और भी। एक ये रहा यार, लेड मिल गया मैं घोर। यार काफ़ी गहराई में निकल नहीं पाएंगे अगर अदरवाइज, हम अगर 30 सेकंड के टाइम के ऊपर नहीं पहुंच पाए। बस पहुंच गए, पहुंच गए, पहुंच गए। देखो यार सिल्वर और तो ढूंढना है, उसे ढूंढ लेंगे तो हमारा बस एक और सिल्वर और मिल गया ना, हमारा काम बन जाएगा यार। इसमें नहीं होगा क्योंकि उसका जो सेल है वो थोड़ा ब्राउनिश कलर में है, अलग से दिखता भी है थोड़ा। वो अलग से दिखेगा। देखो ये रहा, देखो 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 देखो, जैसे ये ऐसे फूलों में ही सिल्वर और मिलता है। आई थिंक हमारे पास गोल्ड गोल्ड शिट 30 सेकंड्स और दो हो गएंगे और लेड भी हो गएंगे। ठीक है अब एक काम करते हैं, ऊपर चलते हैं। अभी दो सिल्वर और हो गए ना, तो हम एक काम करते हैं पहले वो किट बना लेते हैं, फायरिंग किट। क्या पता हमारा उसके बाद ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए। ऑक्सीजन जी जी दीदी कौन यार, हमें कोई इमरजेंसी सिग्नल है उस टाइप से, हाँ देखेंगे बाद में, अभी तो नहीं, बाद में चलेंगे वहाँ पे भी। तो पहले हम पहुँच जाए, ओके ओके। देखो यार हमने यहाँ से और कहाँ तक का सफ़र किया है ना, सिर्फ एक उस चक्कर में। यार खाना भी कम हो रहा है, जाते जाते एक काम करते हैं कुछ फिशेज भी पकड़ ही लेते हैं, अगर कुछ फिशेज हाथ लग जाएगी जैसे वो पपर फिट टाइप मिल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो एक तो ये यार निकल गई वो तो। देखो यार ऐसी ही फिशेज को हमें पकड़ना होगा ताकि हम अपना खाना भी बना पाए। बहुत तेज, बहुत तेज हो रही थी भाई साहब, बहुत तेज, सीरियसली मजाक नहीं, बहुत ज्यादा तेज चलती है वाली फिश। और वजूद देख रहे हो इसका, छोटा सा वजूद है। चलो यार हमने एक बूमरैंग भी पकड़ी है फिश, इससे देखते हैं क्या खाना बन पाएगा। चलो यार काम करते हैं, पहले सबसे पहले खाना ही बना लेते हैं बूमरैंग का। एक बना लेते हैं इसका, नमक तो चाहिए होगा यार कुछ खाने के लिए, हमें डेफिनेटली चाहिए होगा। कहाँ गई यार वो वायरिंग किट बनाने के लिए जो चाहिए था हमें। ओके बट वायरिंग किट बनेगी काफ़ी फिर अगर यहाँ नहीं बनेगी तो। ये ठीक है एक वायरिंग किट बनाते हैं यहाँ पे, एक्चुअल में एक ही चाहिए हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। यार मेरा ऑक्सीजन का लेवल क्यों नहीं बढ़ा है, मैंने ये तो बना दिया ना, मैंने सब कुछ कर दिया लेकिन ऑक्सीजन का लेवल नहीं बढ़ा यार, ये गलत बात है। देखते हैं कुछ ना कुछ कमी रही होगी। और वायरिंग किट तो मैंने बना दी है, ये रहा एक लेड, ये रहा और एक ये रहा। ठीक है इसे खा लेते हैं और इसे भी खा लेते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं, बाकी पानी बना लेंगे अभी थोड़ी देर में ला के चीज़ों का।
ओके तो यार देखो मेरे पास सिल्वर ओर तो मैंने यूज कर दिया ना। मैंने ये किसके लिए इकट्ठा करे थे, मुझे कुछ चीज बनानी थी लेड से करके। ओके मुझे अब यार दो फाइबर मैश की जरूरत है बहुत ज्यादा, और फाइबर मैश जो बनेगा वो बनेगा 3 पॉइंट से, और आई थिंक मेरे पास 3 पॉइंट है। दो है नहीं है यार, अब वो लेके आने पड़ेंगे। वैसे यार 3 पॉइंट तो नजदीक है हमारे, ज्यादा ओवर भी दूर नहीं है, ऐसे है 300 400 मीटर की दूरी पे ही है, उनको तो हम जल्दी ले आएंगे। फिर अपना यार रेडिएशन सूट भी हमारा आई थिंक तैयार हो जाएगा, फिर हमारी दिक्कत ज़्यादातर खत्म हो जाएंगी। क्योंकि रेडिएशन सूट यार हमारा कई जगह काम आने वाला है, हम उस चिप के अंदर भी जा पाएंगे ना फिर, उसी वजह से। पहुंच गए यार, यही है 3 पॉइंट, दो से बनता है एक। आई थिंक 4 हो गए होंगे, 3 हुए ना, ठीक है यार हो गया पूरे 4। और अब हम यहाँ से निकल जाते हैं, तो हमारा पोर्ट किस साइड है, ये रहा साइड है, निकल जाते हैं यहाँ से। ठीक है यार अब बस हमें एक फाइबर मैश बनाने हैं दो, तो हमारा क्या देखो काम हो जाए क्या पता। यार बैटरी भी नहीं है इसमें, कम है बैटरी, 7% पे रह गया पावर है तो। हमें पावर सेल की जरूरत पड़ेगी चेंज करने के लिए। इसमें यार अगर सच्चाई में एलियन प्लैनेट पर फंस जाए तो कितनी दिक्कत है, ये बात सोच के देखो। कोई मज़ा नहीं है कि मज़ा है एलियन प्लैनेट पर फंस गए तो, नहीं भाई सीरियसली बहुत ज़्यादा दिक्कत है यार सीरियसली। अपना फाइबर मैश 2 से 1 बन गया, एक और आई थिंक हमारा रेडिएशन सूट तैयार हो जाएगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। हो गया, बस यही चाहिए था हमें सबसे बड़ी बात। ठीक है देखो ये हो गया हमारा है ना, रेडिएशन सूट तैयार हो गया है। ठीक है तो अभी हमें जो देखना है कि वो है कहाँ पे, हो गया यार। बट यार स्टैंडर्ड है, इसको अनइक्विप करते हैं, और इस वाले को जो हाई कैपेसिटी वाला है ना इसको इक्विप कर लेते हैं। ठीक है तो ये इक्विप करना था हमें, बट वो रह गया था। और इस वाले सिलेंडर को यार हम यार इन्वेंट्री में तो भर जाएगा ना। ये रोवर थर है और ये रेडिएशन हेलमेट है। एक काम करते हैं, हम इस वाले को अनइक्विप कर देते हैं और रेडिएशन वाले को ही पहन लेते हैं फिलहाल। तो देखो यार अब स्टोरेज में भी कमी जगह है हमारे ना यहाँ पे, तो यार आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए ज़रूर जुड़े रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।